तो यार अब कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना? और देखो, इस टाइप की मूवीज का रिव्यू देने में मुझे बहुत मजा आता है, वो इसलिए क्योंकि इस टाइप की मूवीज बिना देखे मेरे ओपिनियन देने से पहले ही आप लोगों ने सारा कुछ तय कर लिया होता है। अब पहले के भी मैंने मेरे रिव्यूज में ये बात बोली थी, लेकिन फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ये मूवी जिस इंसान के ऊपर बनी है ना, पीएम नरेंद्र मोदी, अगर आप उनके पहले से सपोर्टर हो तो ये मूवी आपके लिए पहले से ही अच्छी है। और अगर वो इंसान आपको नहीं पसंद तो फिर ये मूवी देखने से पहले ही आपने वर्डिक्ट बना लिया होगा कि ये मूवी अच्छी नहीं होगी। आपको ये मूवी सिर्फ प्रोपागेंडा बनाने के लिए दिखाई है ऐसा आपको लगेगा। प्रोपागेंडा को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेकिन इन दोनों को साइड में रख के आप उन लोगों में से हो जो कि न्यूट्रल है, या फिर आप इस मूवी के बारे में ये जानना चाहते हो कि ये मूवी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, फैमिली के साथ आप देख सकते हो कि नहीं, तो इसी बात के ऊपर कि एक्चुअल मूवी कैसी है, जिस इंसान के ऊपर बनी है, जो भी बैक स्टोरी रही है, वो सब नहीं, मूवी कैसी है। देखो, इस मूवी के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो कि शायद पद्मावत के बाद सेकंड पे होगा डिस्क्लेमर की लंबाई में। और इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमको बता दिया जाता है कि मूवी के अंदर कुछ ड्रामेटिक मोमेंट्स लाने के लिए उन्होंने स्टोरी के अंदर बदलाव किए हैं। मतलब कि मूवी के अंदर जो स्टोरी दिखाई है वो एक्चुअल नरेंद्र मोदी के लाइफ में हुई होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये मूवी एक बायोपिक है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसमें उनकी लाइफ की स्टोरी हमको दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखो, मैं उनके लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ जो कि मैंने अपने न्यूज चैनल से सीखा है, क्योंकि अपने देश के न्यूज चैनल से वो सिर्फ न्यूज थोड़ी प्रोवाइड करते हैं, कई बार तो मूवी से अच्छे बायोपिक्स वो लोग बनाते हैं। अगर आपने गेस कर लिया है कि मैं कौन से चैनल्स की बात कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। पीएम नरेंद्र मोदी इस मूवी की स्टोरी जो है वो उनके कुछ मेन पॉइंट्स पे फोकस करती है, और मूवी का जो लगभग पूरा का पूरा पार्ट था वो उन्होंने गुजरात के अंदर जो काम किया है वो सब कुछ दिखाया है हमको। और मूवी से निकलने के बाद मैंने एक बात रियलाइज की, अगर आप इस मूवी से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम हटा दोगे तो ये बेसिकली एक टिपिकल बॉलीवुड के हीरो की स्टोरी दिखाई है उन्होंने। मतलब वो जो पर्सन है वो सबसे आदर्श है, सबकी हेल्प है, अच्छाई के लिए काम करता है, बुराई से लड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि असल में पीएम मोदी वैसे है या फिर नहीं है, उन्होंने कुछ फेक दिखाया है सही दिखाया है, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूं यार, तो मैं कैसे कमेंट कर दूं कि वो ऐसे है कि नहीं है। इस मूवी के अंदर जो ड्रामा लिखा गया है वो कभी कभी एकदम थोड़े टाइम तक जो है वो लिमिट क्रॉस कर देता है और कुछ ज्यादा ही मेलो ड्रामेटिक लगता है। लेकिन इस पूरे मूवी का जो रियल हीरो है ना, वो है इसके डायलॉग्स। मतलब क्या लिखा है यार, जबरदस्त लिखा है उन्होंने। इस मूवी के अंदर जो लीड कैरेक्टर है नरेंद्र मोदी जी का, वो जो भी डायलॉग्स बोलते हैं ना उसको राइम करने की कोशिश की है उन्होंने, और बहुत सारे डायलॉग्स जो इस मूवी के अंदर हमको दिखाए हैं वो काफी कैची है। और ये पॉइंट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए लगा क्योंकि जो अपने रियल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो जब भी किसी रैली में भाषण वगैरह देते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, बहुत सारे कैची वर्ड्स कैची फ्रेज यूज करते हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि उनके लाइफ के इस एस्पेक्ट को मूवी ने अच्छे से कैप्चर किया है। ये पूरी की पूरी जो मूवी है वो बेस्ड है सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर, और उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं विवेक ओबेरॉय, जिनका काम मुझे अच्छा लगा। काफी जो ऐसे ड्रामेटिक सीन्स थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका जो फेस है वो सारे एक्सप्रेशंस को अच्छे से दिखा रहा था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उनका ऐसा लगा कि नहीं कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जैसे सीरियल्स में नहीं दिखाते नहीं उस टाइप का, लेकिन ओवरऑल काम अच्छा था। उसके बाद इस मूवी के अंदर जो सेकंड कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है इनका, जो कि अमित शाह का रोल प्ले कर रहे थे। अब इनका जो मेकअप आर्टिस्ट था ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखने में अमित शाह जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन लगते बिल्कुल अमित शाह है। आई होप दैट मेक्स सेंस। देखो सच बोलूं ना तो मैं अभी घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं याद नहीं कर पा रहा कि मूवी के अंदर कोई गाना वगैरह था कि नहीं। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही था, और मेरी ये बोलने के पीछे का पॉइंट है कि जो भी म्यूजिक या फिर गाने यूज किए हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं मूवी के अंदर, और अगर कोई गाना आ भी गया मूवी के अंदर तो ऐसा नहीं लगता कि मूवी कट होकर कोई दूसरी पिक्चर चल रही है। अब एक पॉलिटिशियन की बायोपिक है यार, ये टॉपिक तो डिस्कस करना बनता ही है। और इसी रिव्यू में मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो स्टोरी दिखाई है वो बिल्कुल एक हीरो की स्टोरी दिखाई है, मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं है, तो इससे जो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते उनको लगेगा कि हाँ ये तो प्रोपागेंडा फैलाने के लिए ही किया है, जो रियल में पीएम नरेंद्र मोदी है उनकी इमेज को और बढ़ावा देने के लिए किया है। मैं इस बात पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जैसा मैंने बोला, मैं उस इंसान को जानता ही नहीं ना पर्सनली कि वो एक्चुअल में है कैसे, लेकिन मैंने जितने भी बाकी सारे लोगों के मुंह से बात सुनी है अच्छी रिपोर्ट मिली है। और यार अभी देखो कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, मतलब जितनी सीट्स उन्होंने जीती हैं, जितना वोट उनको मिला है, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि उनको किसी मूवी बनानी पड़ेगी अपनी इमेज को प्रमोट करने के लिए? नहीं यार, मतलब मूवी उनके इमेज के नाम पे चलेगी ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस टॉपिक के ऊपर आपकी राय जानने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना।
तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। वेल, सच बोलूं तो ये मूवी एंटरटेनिंग तो थी, मूवी के अंदर काफी अच्छे मोमेंट्स भी थे, और अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो सच में जाओ, मजा आएगा आपको। फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, चलेगा, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी नेसेसरी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने सारे काम धाम छोड़ दो और ये मूवी देख के आओ, ऐसा नहीं है। आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से जाके देख के आओ। मैं सच बोल रहा हूँ, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन को रीड करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सारी गालियां तो मुझे ही पड़ेंगी ना, आप मजे ले लो रीड करके। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।